जय गुरुदेव। जय टीसीबीटी। ये है हमारा वेंचुर यूनिट का सेटअप है। यहाँ पे हमने सारे टीसीबीटी फार्मूलों का कलेक्शन किया हुआ है। ये हमारा जीवाणु कल्चर है, हमने इसका मदर कल्चर बना के रखा है। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा जीवाणु कल्चर है, ये हमारा गोकृपा अमृत का कल्चर है, जैसे हमने मदर कल्चर के रूप में बना के रखा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये हमारा बी प्लस का मदर कल्चर बना के रखा हमने, इसी तरह ये हमारा एम प्लस का मदर कल्चर है, इसी प्रकार हमने ये फफूंद भक्षक तरल का मदर कल्चर बना के रखा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा खट्टा जैव रसायन तैयार हो रहा है, ये हमारा मीठा जैव रसायन 200 लीटर तैयार हो रहा है, हमने 15 लीटर पुष्प रसायन बनाया गेंदे के फूलों से, कड़वा जैव रसायन हमने एलोवेरा से बनाया है, उसके बाद 2 मटका भस्म रसायन बनाया हमने। ये हमारा गौमूत्र का कलेक्शन है, ये 200 लीटर की ड्रम में हमारे पास 100 लीटर के ऊपर लगभग गौमूत्र है। ये हमारा जल स्रोत है, यहाँ हमने फफूंद भक्षक तरल को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ये देखिए कितना शानदार मल्टीप्लिकेशन हुआ है इसका। ये हमारा अन्य द्रव्य रसायन 3 ड्रमों में फर्मेंट हो रहा है, इसको हम 1.5 एकड़ के ब्लॉक में ड्रिप से देंगे। ये तीसरी ड्रम हमारी, ये हमने पत्थरों का आर्क बना रखा है इस ड्रम में। ये हमारा जीवाणु घोल 200 लीटर में तैयार किया था हमने। ये हमारी वेंचुरी यूनिट है, हमने इसमें 25 फिट की वेंचुरी लगा रखी है, जिस भी ड्रम में हमें देना होता उसमें दे देते हैं हम। ये 2 ड्रम हो गई हमारी फफूंद भक्षक तरल की जो मल्टीप्लाई हो चुकी है, ये हमारा जीवाणु घोल तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये मैं हाथ से दिखाता हूँ आपको, ये हमारा जीवाणु घोल तैयार हो रहा है। ये ड्रम जीवाणु घोल की है, बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें से। ये हमारा अणुजल तैयार हो रहा है, ये हमारा अणुजल तैयार हो रहा है इसमें 1000 लीटर, और ये 1000 लीटर हमारा बी प्लस फर्मेंट हो रहा है। ये देखिए, ये 1000 लीटर हमारा बी प्लस फर्मेंट हो रहा है। देखिए इसकी क्वालिटी देखिए आप कितनी शानदार है। हम इसको मदर कल्चर से ही तैयार करते हैं, इसमें हमने 10 किलो गुड़ और 10 लीटर कल्चर डाला है मदर कल्चर बना के। ये हमारी वेंचुरी यूनिट है। अब मैं आपको